और मेरे दासों भविष्यद्वक्ताओं के वचनों के ऊपर कान नहीं लगाओगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके आगे वही वचन ज़िदकिय्याह के पास अपने दूतों को बड़ा यत्न करके क्या किया भेजता है क्योंकि वह अपनी प्रजा अपने धाम पर तरस खाता है। कहता मैंने बड़ा यत्न करके तुम्हारे पास नबियों को भेजा, यदि तुम उन नबियों की बातों को नहीं सुनोगे तो, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तुमने उनकी क्या नहीं की है, सुनी नहीं है आगे, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा। हाँ, ये प्रोफेसी यहोवा ने दी है। किसने दी है? यहोवा, परमेश्वर यहोवा ने यरमाया को दी। और उधर लिखा है यरमाया की कही हुई बात के अनुसार बेबीलोनियों ने मंदिर को फूंक दिया क्योंकि इजराइलियों ने हठ किया और अपने मन को नहीं फिराया। ऐसे ही आज भी कलीसियाएं जो मन फिराती नहीं है, जो तौबा में चलती नहीं है, मैंने कलीसियाओं को बंद होते देखा है, सेवकों की सेवकाइयों को बंद होते हुए देखा है, उजाड़ पड़ी है वो। परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर की उपस्थिति आज कई कलीसियाओं में नहीं है, लेकिन फिर भी वो आंगन में दंडवत करते हैं। यहोवा यहाँ पर भविष्यवाणी देता है, शीलो के समान कहता मैं नष्ट कर दूंगा। आगे पढ़िए, और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा, इस नगर का, यरूशलम का, यहूदा का ऐसा सत्यानाश करूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग हाँ। उसकी उपमा दे देकर हाँ। शाप दिया करेंगे। पृथ्वी की सारी जातियां उसकी उपमा, उसकी उदाहरण दे देकर लोगों को कर्ज किया करेंगे। जब किसी को किसी को लानत देनी होगी तो वो ऐसा कहेंगे कि जैसी हालत यरूशलम की हुई, जैसी हालत यहूदा की हुई, वैसी हालत तुम्हारी हो। ऐसा कहावत यहोवा ने चलाई इसराइलियों के विषय में। जब यर्मिया हाँ। ये वचन यहोवा के भवन में रह कह रहा था। अब ये कौन नबी उठे, कौन ऐसी बातें बोले? लोग बोलते तुम कौम के खिलाफ बोलते हो, तुम चर्च के खिलाफ बोलते हो, तुम कलीसिया के खिलाफ बोलते हो, मसीह लोगों के ही खिलाफ बोलते हो। ये पढ़िए यर्मिया, अपने ही लोगों के खिलाफ बोल रहा है। बुला कौन रहा है? यहोवा ही बुलवा रहा है, यहोवा ही बुलवा रहा है। फिर आगे, तब याजक और भविष्यद्वक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। सब साधारण लोग, याजक भी खड़े क्या कर रहे हैं, वेदी के ऊपर सेवकाइयां करने वाले भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और बाकी नबी भी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। सिर्फ यरमाया नबी नहीं है उस समय में, और भी नबी हैं, वो भी यरमाया की बातों को सुन रहे हैं। पढ़िए आगे, जब यर्मिया सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी हाँ, सारी कह चुका हाँ। तब याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और सब साधारण लोगों ने ये कहकर उसको पकड़ लिया हाँ। निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा, प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से ये भविष्यवाणी की हाँ। कि ये भवन शीलो के समान उजाड़ हो हाँ, जाएगा। यरमाया को पकड़ कर बोझ रहे हैं कि तूने क्यों ये प्रोफेसी की, चलो डिलीट करो पोस्ट, नहीं तो केस कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर डिलीट कर देते, माफ कर दो ये गलती होगी। यरमाया ऐसा नहीं था, प्राण देने के लिए तैयार है प्रभु की आवाज के लिए। पढ़िए, और ये नगर हाँ। ऐसा उजड़ेगा कि उसमें कोई ना रह जाएगा हाँ, ऐसा उजड़ जाएगा कि उसमें कोई रहेगा नहीं। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने हाँ। यहोवा के भवन में यरमिया के विरुद्ध भीड़ लगाई हाँ। यहूदा के हाकिम, छोटी सी बात थी, घुटनों पर आना था, तौबा करनी थी, लेकिन ये इतना कठिन लगा इसराइल को, और अपने हठ में, अपनी अकड़ में, मैं उच्चा पादरी, मैं वड्डा पास्टर, मैं वड्डा नबी, वो अकड़ आपको सुधरने नहीं देती, नम्र होने नहीं देती। मैं एल्डर हूँ, मैं पहला विश्वासी है, मैं पुराना चर्च आ रहे हैं, वो अकड़ नीचे नहीं आने देती। समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात, लेकिन इन्होंने बलवा किया। आगे हमने पढ़ा कि उधर क्या हुआ, यर्मिया के कहे हुए वचन के अनुसार कसदिया के राजा ने मंदिर को फूंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। फिर उसके बाद रोम का राज्य आता है, गुलामी में गए, इनको अकल कब आई, जब गुलामी में गए। इनको अकल तभी आती है जब गुलामी, हमें भी तभी आती है ना, जब आपको परमेश्वर पशु सरीखा बना दे, आपको परमेश्वर जब गुलामी में ले जाए, आपकी सप्लाई ऑफ ब्रेड यहोवा जो है वो बांध दे, आपके रोटी का मुहैया ना हो, यहोवा फिर आपको जॉबलेस कर देगा, यहोवा आपको फिर काम से हटा देगा, फिर आप डेली फीड के लिए भी आप गिड़गिड़ाएंगे, तब अकल आएगी। फिर जब मुहैया कर रहा है, भरपूर दे रहा है, तब चलना चाहिए था, तब क्या करना चाहिए था, तब चलना चाहिए था। भजन 137 पढ़िए एक वचन से, बेबीलोन की नहरों के किनारे हाँ, अब किधर बैठे हैं, बेबीलोन में गुलामी में नहरों के किनारे बैठे हैं हम लोग, बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े, सियोन को स्मरण करके रो पड़े।
याद आ गई है? बोले याद आ गई सियोन की, प्रभु कैसे हमारे साथ रहता था। सियोन को याद करके इजरायली क्या किए? रो पड़े। आगे पढ़िए। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। दीवार उधर पेड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर अपने इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने लटका दिया है? आगे। क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा तो सुनाओ कुछ अपने कोई गीतों में से गीत। और बेबीलोनी कहते हैं कि अपने यहोवा के गीतों में से कोई गीत सुनाओ, लेकिन इन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट्स को क्या किया है? टांग दिया है पेड़ों के ऊपर। पढ़िए। हम यहोवा के गीत को पराए देश में कैसे गाएं? हम यहोवा के गीतों को पराए देश में कैसे गाएं? आगे। हे यरूशलम, हे यरूशलम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, तो मेरा दायना हाथ सूख जाए। हाँ, दायना हाथ क्या हो जाए? ये दायना हाथ जिससे मैं क्या करता हूँ, इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, क्या हो जाए? ये दायना हाथ सूख जाए अगर मैं यरूशलम को भूल जाऊं। आगे। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं तुझे याद ना रखूं, यदि मैं यरूशलम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपक जाए, जीभ तालू से चिपक जाए। धन्यवाद धन्यवाद यरूशलम, यरूशलम पुल जावा जे कदी, यरूशलम यरूशलम पुल जावा जे कदी, यरूशलम यरूशलम पुल जावा जे कदी, यरूशलम यरूशलम पुल जावा जे कदी। उस तादी अपनी देवे मेरा सज्जा हाथ बुला, उस तादी अपनी देवे मेरा सज्जा हाथ बुला। बाबल दिया नहरां ते जदों बैठे असी जा, जदों बैठे असी जा, सियोन नूं करिया तद रोए मार टा, सियोन नूं करिया तद रोए मार टा, सियोन नूं करिया तद रोए मारता। बाबल दिया नहरां ते बाबल दिया नहरां ते जदों बैठे असां जा, बाबल दिया नहरां ते जदों बैठे असां जा, सियोन नूं करिया तद रोए मारता, सियोन नूं करिया तद रोए मारता, सियोन नूं करिया तद रोए मारता। टंग दितियां सा बरबता बैतां दे रुखानां, टंग दितियां सा बरबता बैतां दे रुखानां, टंग दितियां सा बरबता
ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਬਰਮਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਬਰਮਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਬਰਮਤਾਂ ਬੈਤਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਕੁਝ ਸੁਣਾ 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 ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਜਾ ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਜਾ ਸਿਓਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤਦ ਰੋਏ ਮਾਰਤਾ ਸਿਓਨ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤਦ ਰੋਏ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 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 ਉਹ ਸੀ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ ਨਾਲੇ ਗੈਰ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੀ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੇ ਗੈਰ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੀ ਬੇਗਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੇ ਗੈਰ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਕਦੀ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੇਵੇ ਮੇਰਾ ਸਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲਾ 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 ਬਾਬਲ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਅਸਾਂ ਜਾ